नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को झटका। याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से केजरीवाल को निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के फैसले पर कोई भी रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। क्या है घटनाक्रम? दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के किंग पिन ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन करार दिया था को दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने इस जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। वहां पर ईडी ने उच्च न्यायालय को बताया कि निचली अदालत में कोर्ट ने उसे अपनी बात रखने तक का मौका दिए बगैर ही आरोपी केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जब तक उच्च न्यायालय में मामला लंबित है तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी ही नहीं होगा। हालांकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि कोर्ट ने इस मामले पर इतनी जल्दी सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईडी के आगे उनकी एक निचली ईडी की तरफ से पेश हुए एसएसजी एस वी राजू ने कहा कि यह केस अपने अहम मोड़ पर है और ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो मामले बिगड़ सकता है, क्योंकि आरोपी खुद एक मुख्यमंत्री है। 10 मई को मिली थी अंतरिम जमानत। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल जेल में बंद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। क्या है पूरा मामला? दिल्ली शराब नीति 2021-22 में घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता किंगपिन हैं। आज ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल 2 ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। रिश्वत के 100 करोड़ रुपए लिए और उनमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में खर्च कर दिए और बाकी पंजाब के इलेक्शन में खर्च किए गए। ईडी के पास बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने बिना ईडी को सुने ही केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसी बात को लेकर के ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई और वहां पर हाई कोर्ट में इस जमानत के को रोक दिया है। अब अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हुए सुनवाई को 26 तारीख तक टाल दिया है।
ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्ते।